अमीषा जी, अजय कुमार सिंह ने आपको 2.5 करोड़ रुपए दिए थे या नहीं? अमीषा जी, उसको कहिए क्या अजय कुमार सिंह ने आपको 2.5 करोड़ रुपए दिए थे? मैं जी मीडिया से आयुष हूँ, आप जवाब दे सकती है, अपना पक्ष रख सकती है। अमीषा जी कुछ तो मुंह ढक कर आना और रांची से निकल जाना कितना सही होगा ये। अमीषा जी कुछ तो कह दीजिए, थोड़ा सा कुछ तो बोल दीजिए मैडम। अमीषा जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इनसाइडर लाइव में और मैं हूँ आपके साथ में नेहा। बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल की मुश्किलें बढ़ गई है। धोखाधड़ी के एक मामले में शनिवार को अमीषा पटेल मुंह ढककर राज्य सिविल कोर्ट पहुंची और सरेंडर कर दिया। फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल और उनके बिजनेस पार्टनर कुणाल गुमर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया गया था। उन पर पैसे लेकर एल्बम नहीं बनाने के साथ ही धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया गया था। इस मामले में पिछले दिनों रांची सिविल कोर्ट ने अभिनेत्री को कोर्ट में हाजिर होने को कहा था, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हुई, जिसके बाद उनके खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया था। अदालत में पेश होने के बाद अमीषा पटेल को 21 जून तक सशर्त जमानत दे दी गई है। 21 जून को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने अमीषा पटेल को भी उपस्थित रहने का आदेश दिया है। बताते चले कि अरगोड़ा के रहने वाले अजय कुमार सिंह ने यह केस 17 नवंबर 2018 को CJM कोर्ट में दर्ज करवाया था, जिसमें कहा गया था कि म्यूजिक मेकिंग के नाम पर अमीषा पटेल ने अजय कुमार सिंह से 2.5 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने म्यूजिक मेकिंग की दिशा में कदम नहीं उठाया। साथ ही अमीषा पटेल पर फिल्म देसी मैजिक बनाने के नाम पर अजय सिंह से 2.5 करोड़ रुपए ऐंठने का आरोप है। इकरारनामा के अनुसार जब फिल्म जून 2018 में रिलीज नहीं हुई तो अजय ने पैसे की मांग की। अमीषा ने टाल मचोल के बाद अक्टूबर 2018 में अजय सिंह को 2.5 करोड़ और 50 लाख रुपए के 2 चेक दिए, जो बाउंस हो गए। इसके बाद अजय सिंह ने अभिनेत्री पर मुकदमा कर दिया। एक्चुअली अमीषा पटेल पर मैंने एक 2018 में केस दर्ज किया था चेक बाउंसिंग का। उन्होंने मेरे से एक फ्रेंडली रिलेशन में उन्होंने मेरे से करीब 2.5 करोड़ रुपये लिया था और फिर उसके बाद में उनको 3 करोड़ उन्होंने इंटरेस्ट के साथ दिया था, लेकिन वो चेक बाउंस हो गया। तो उसी सिलसिले मैंने उन पर एक कोर्ट में केस दर्ज किया था। 5 सालों से उनको नोटिस सम्मन हो रहा था, वारंट जा रहा था, लेकिन वहाँ नहीं दी थी। अभी बहुत पुलिस का दबाव और कोर्ट ने बहुत सख्त निर्देश दिया था कि अगर आप हाजिर नहीं होंगी तो आपको जहाँ भी होंगे वहाँ से गिरफ्तार कर लाया जाएगा। तो वो डर से आज कोर्ट में सरेंडर हुई हैं और अपना बेल बाउंड फाइल किए हैं। और फिर उन्होंने कोर्ट ने कहा है कि फिर आपको चूंकि 21 जून को दोबारा डेट है, उस डेट में आपको हाजिर होना पड़ेगा फिजिकली। तो फिर 3 दिन बाद फिर उनको फिजिकली हाजिर होने के लिए कोर्ट ने निर्देश दिया, नहीं तो बेल बाउंड का केस कर दिया जाएगा और फिर उसका आगे देखते हैं। मध्यस्थता में जा करके अगर मेरा पैसा वापस करेंगे तो मेरे को क्या दिक्कत है? हाँ, आज बेल कंडीशनल बेल है कि आपको फिर 21 तारीख को फिजिकली हाजिर होना है, चूँकि कोर्ट को इस बात का डर है और हम लोग को भी डर है कि 5 सालों से कोर्ट में नहीं आई, अभी चूंकि इसलिए आई क्योंकि एक फिल्म आ रही है उनकी, तो फिर कहीं ना उसकी इफेक्ट ना हो जाए, इसी चलते उनको दबाव पड़ा है कि जाके हाजिर हो जाइए, नहीं तो किसी समय आपको अरेस्ट हो सकती है। तो ये मामला है आज कोर्ट में। अब वो पूरा मुंह ढक करके आई थी कोर्ट में पूरा मुंह ढक करके। आप लोग फोटो भिजो लिए होंगे उनका, अभी इसी होटल में है पिनाकल में। पैसा लेने के बाद भी जब इनका पैसा इन्होंने नहीं लौटाया तो ये भाई बहुत दुखी हुए तो उनसे संपर्क किया कि भाई मेरा पैसा लौटा दो। तो वो अपना पूरे ये में थी कि भाई हम तो एक्ट्रेस हैं, पैसा लेना जानते हैं, देना तो नहीं जानते हैं। तब इन्होंने वहाँ उनके घर जाके 2-3 मीटिंग करके फिर उनसे एक समझौता के तौर पर चेक लिया और उन्होंने 3 करोड़ का चेक 2 चेक दिया, 1.5 करोड़ का, 1 50 लाख का। और वो चेक जब इन्होंने अपने खाते में डाला तो बाउंस हो गया। बाउंस के लिए और प्लस इनके साथ जो चीटिंग हुआ उसके लिए इन्होंने केस किया न्यायालय में 420, 406 और NI एक्ट के तहत, जिसमें कि अमीषा पटेल और उनके जो अदर को एक्यूज हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक गए इसमें इस बाद में। और जो है उन्होंने वहाँ 420, 406 में स्टे लगा रखा है, बट वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन हुआ कि आप इसमें अपीयर होइए। इनको डिफरेंट डेट में नोटिस गया पर ये हाजिर नहीं हुई। जब यहाँ कोर्ट से दबाव बना और पुलिस से दबाव बना तो आज न्यायालय में हाजिर हुए, बेल लिए। बेल जो है कंडीशनल है, कंडीशनल में है कि आपको 21 तारीख को जो डेट है उस डेट में आप हाजिर रहिए फिजिकली, अगर आप हाजिर नहीं होते हैं तो आपका बेल बॉन्ड कैंसिल हो जाए। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।